मेरे ऐ मुजाहिदो जहां का सपात है। कौमी हीरो एम एम आलम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पाक फिजाइया ने कराची में उनका मुजस्मा नस्ब कर दिया। 1965 की जंग में 30 सेकंड में भारत के 5 लड़ाका तैयारे तबाह करने वाले मोहम्मद महमूद आलम ने दुश्मन को छठी का दूत याद दिला दिया था। उन्होंने मुख्तलिफ महाजों पर 11 भारतीय तैयारे मार गिराए। पीएफ म्यूजियम में आने वालों की दिलचस्पी का महवर कौमी हीरो एम एम आलम है। खवातीन और मर्द उनके मुजस्मे के साथ सेल्फियां बनवाते रहे। और तो और बुजुर्ग मोहम्मद शाबान को अजीम हीरो से इतनी अकीदत है कि वो मुल्तान से यहाँ खींचे चले आए, मुजस्मे के सामने खड़े होकर बेसाख्ता सलूट किया। उनके कारण हम बहुत खुश हैं, उन्होंने बहुत पाकिस्तान के वो किया, एहसान किए हैं और अल्लाह ताला उनको मफ़रत करे। ये मुजस्मा लाहौर के आर्टिस्ट फकीर सैफुद्दीन ने इंतहाई महारत से बनाया, जिसमें फाइबर ग्लास मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। यूनिफॉर्म, हेलमेट, ग्लासेस और जूतों पर खास तवज्जो दी गई। मुजस्मे के अकब में जंगी जहाज F-86 सैबर खड़ा है, जिस पर एम एम आलम ने अनहूनी को हूनी बना दिया था। इनकी इतनी मेहनत से हम जंग जीते हैं 1965 की। ये हमारे कौमी हीरो हैं, इनको हम कभी नहीं भूल सकते। हम बहुत खुश हैं इनको देख के, हमें भी ऐसे बनना चाहिए, हमारे नौजवानों को इनको देख के सीखना चाहिए। एम एम आलम को शानदार कारकर्दगी दिखाने पर वतन अजीज के तीसरे बड़े फौजी एजाज सितारे जुर्रत से नवाजा गया था। जंगी हवाबाजी की तारीख में एम एम आलम के कारनामे की दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम इनकी खिदमात को तहसीन की निगाह से देखती है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।